यहाँ पे एक ग्लॉकोमा स्पेशलिस्ट एंड एंटीरियर सेगमेंट स्पेशलिस्ट की तरह एम्प्लॉयड हूँ. राइट, तो आज हम टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सम बेसिक टॉपिक्स अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हिच एवरीबॉडी फेसेस इन आई ड्रॉप एप्लीकेशन एंड द बेसिक थिंग्स जो नेचुरल क्वेरीज होती हैं. सो देर आर सेवरल इंडिकेशंस. आई एम अ ग्लॉकोमा स्पेशलिस्ट, लेकिन ग्लॉकोमा के लिए नहीं, बट इन जनरल कई ऐसे ओकेजन्स आते हैं व्हेन ऑल ऑफ अस हैव टू यूज सम ऑफ द अदर आई ड्रॉप्स फॉर सम पर्पस. लाइक कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि आजकल हर आदमी एक्सपोज्ड है बहुत ज़्यादा कंप्यूटर वर्क को, मोर देन 4 आवर्स 5 आवर्स एवरी डे. सो दैट कॉजेज समथिंग विच इज़ नोन एज कंप्यूटर विजन सिंड्रोम. कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि आँख में ड्राइनेस जो एज के साथ ज़्यादा बढ़ जाती है, तो दैट ऑल्सो रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट आई ड्रॉप एप्लीकेशन. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सीजनल एलर्जीज या इन्फेक्शन जिसे हम आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं. सो कभी ना कभी हम सबको ये एनकाउंटर होता है कि वी हैव टू अप्लाई सम ऑफ दी अदर ड्रॉप्स, मे बी फॉर अ शॉर्ट पीरियड और फॉर अ लॉन्गर पीरियड. सो इन जनरल जो क्वेरीज होती हैं आई ड्रॉप एप्लीकेशन के बारे में, वी वुड लाइक टू डिस्कस देम टूडे. सो जब भी वी आर प्रेस्क्राइब्ड या हम कोई आई ड्रॉप्स पेशेंट्स को लिखते हैं, तो इन जनरल पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, जैसे इफ यू से वन ड्रॉप हैज़ टू बी यूज 4 टाइम्स इन अ डे, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एक बार में कितनी ड्रॉप्स डालेंगे. सो इन जनरल सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी आई की कैपेसिटी होती है, जो फोनिक्स की कैपेसिटी है, वो एक ड्रॉप के बराबर भी नहीं है. इनफैक्ट वो हाफ ऑफ द ड्रॉप से भी कम है. तो जब आप ड्रॉप अप्लाई करते हैं तो एनी हाउ एक ड्रॉप भी आपके लिए ज़्यादा है. तो कभी भी एक बार में यू डोंट हैव टू अप्लाई मोर देन वन ड्रॉप. हमेशा जितनी भी आई ड्रॉप्स हैं दुनिया की कोई भी, इट इज़ अ यूनिवर्सल फिनोमिनन कि आप किसी भी कभी भी एक ड्रॉप से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है एक बार में, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा आप डालेंगे वो डेफिनेटली स्पिल आउट हो जाएगी, वो निकल जाएगी, वो सिर्फ ड्रॉप ही वेस्ट हो रही है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज कि क्या स्टेप्स हैं आई ड्रॉप एप्लीकेशन के. सो इन जनरल द फर्स्ट स्टेप इज कि कोई भी आप आई ड्रॉप अप्लाई करते हैं तो योर हैंड्स शुड ऑलवेज बी क्लीन. हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ड्रॉप के थ्रू भी इन्फेक्शन फर्दर कैरी ऑन हो सकता है. सो सबसे पहले आपने हैंड वॉश अच्छे से कर लेना चाहिए, भले आप अपने को डाल रहे हो या किसी भी अपने नोन या फैमिली मेम्बर को डाल रहे हो. ड्रॉप एप्लीकेशन के लिए पोस्चर्स पूछते हैं पेशेंट्स, तो आपके लिए जो कंफर्टेबल है, आप अगर लेट के डालना चाहते हो या बैठ के अपने आप को मिरर में देख के डालना चाहते हो, या इन जनरल आप इतने यूज्ड हो जाए कि आप ऐसे ही जनरली डाल लें, दैट डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट. ठीक है, बट प्रेफरेबली द मोस्ट पेशेंट्स प्रेफर कि वो लाई डाउन करके कंफर्टेबली वो लाई कर डाल सकते हैं. नाउ द सेकंड थिंग इज आफ्टर यू अप्लाई हैंड वॉश एंड यू आर योर श्योर कि आपकी हैंड्स क्लीन है, देन आप आई ड्रॉप कोई भी इस तरह से लेंगे. एंड आई ड्रॉप को ओपन करने के लिए नॉर्मली आई ड्रॉप्स में जब आप ओपन करते हैं तो इस ड्रॉप के पीछे, इसके कैप के पीछे एक, इसमें अपने आप एक पियर्स करने के लिए इसमें एक सिरिंज सा एक इसी में लगा होता है. ओके, एक नीडल सी होती है इसमें जो प्लास्टिक की होती है, इसी मटेरियल की, जिस मटेरियल से ड्रॉप बनती है. तो ये एक कैप जैसा होता है जिसको आपको रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि ये वो बैरियर होता है कि ये अदरवाइज ये जो नीडल इसके पीछे है वो पियर्स नहीं करेगी. देन किसी भी ड्रॉप को खोलने के लिए फर्स्ट आप इसको टाइटली बंद कर देते हैं. जब टाइटली बंद करते हैं तो एनी हाउ जो इसका पीछे जो नीडल होती है वो इसको पियर्स कर देती है, तो ये ड्रॉप ओपन हो जाती है. जैसे कि देख सकते हैं अब ये ड्रॉप ओपन हो गई है. इसको अप्लाई करने के लिए ये जो ड्रॉप का बॉटल है इसके इस हिस्से को नोजल कहते हैं जो ऊपर की तरफ है. ये नोजल कभी भी आपके आईलिड को टच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये टच करेगी तो इसमें आपके अगर आँख में इन्फेक्शन है या कोई और बीमारी है तो वो इस ड्रॉप के थ्रू किसी और को या आप ही की दूसरी आँख को भी जा सकती है. इसीलिए ये प्रिंसिपल आप याद रखिए कि जब भी आप डालें तो कोई भी आई ड्रॉप या ऑइंटमेंट ट्यूब कोई भी चीज़ उसका नोजल आपके आँख के लिड को टच नहीं करना चाहिए. प्रेफरेबली हमेशा आपने लोअर लिड को पुल करना है और ड्रॉप को जेंटली उसमें डालना है, कोशिश करते हुए कि ये टच ना करे एक चीज़, और दूसरी सेंटर ऑफ द आई में ना डाल के आप हमेशा नीचे डालिए, क्योंकि जब आप सेंटर ऑफ द आई में डालते हैं और गलती से एक प्रॉब्लम, अगर आपको चोट लग जाए या धोखे से कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो सेंटर ऑफ द आई में भी लग सकती है चोट.
जो कि ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और अगर खुदा ने खासा चोट लगना है तो अगर पेरिफेरी में लगी है तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो कोशिश करना चाहिए एक नॉर्मल असेसमेंट के लिए कि आप पहले हैंड्स क्लीन करें, फिर बॉटल को अच्छे से हाइजीनिकली ओपन करें। ओपन करने के बाद लोअर लिड को पुल करें एंड इसी लोअर वाले एरिया में, इस आँख के निचले वाले हिस्से पे आप ड्रॉप डालें। ड्रॉप डालने के बाद इमिजिएटली उसको रिकैप कर दें, अगर दूसरी आँख में डालना है तो फिर उसमें भी डाल लें, और उसके बाद इमिजिएटली रिकैप करके आप उसे रख सकते हैं। ड्रॉप्स को कभी भी कहा जाता है नॉर्मली उस हिस्से में, घर के उस हिस्से में मत रखिए जहाँ पे आपकी सनलाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर है। कुछ ड्रॉप्स में स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि उसे आप रेफ्रिजरेट करके रखें, तो उसको आप फ्रिज में भी एक नॉर्मल फ्रीजिंग टेम्परेचर पे नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे आप उसको फ्रीज उसको फ्रिज में रख सकते हैं। इन जनरल हाथ उसके बाद इन ड्रॉप्स को लगाने के बाद, अगर आपका मान लीजिए ड्रॉप्स टच हो गया है गलती से लिप्स में, तो कोशिश करिए उस ड्रॉप का आप डिस्कार्ड कर दें और उसको दूसरी आंख में भी उस वक्त भी ना डालें, क्योंकि फिर वो इन्फेक्शन दूसरी आंख में भी जा सकता है या किसी और को भी जा सकता है, कोई और भी आपके साथ यूज़ कर रहा है। नॉर्मली सिंगल यूज़ ही बेटर माना जाता है। एक ड्रॉप जब आपने ओपन कर दी है तो उसकी लाइफ 30 डेज, एक महीना, 1 मंथ ही होती है, तो प्रेफरेबली उसे विद इन अ मंथ आपको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न जो भी आपको मेडिकेशन, जो डोजेज, जो ड्यूरेशन जिस तरह से बताई गई है आप वैसे डालिए, तो नॉर्मली भी वो उसके लाइफ विद इन अ मंथ, अगर आप लुब्रिकेंट्स डाल रहे हैं ड्राई आई के लिए तो विद इन अ मंथ वो यूज़ आप हो जाएंगे। अगर किसी इन्फेक्शन के लिए डाल रहे हैं तो प्रेफरेबली एक ही पर्सन को घर में डालना चाहिए, और अगर 2 लोग का इन्फेक्शन है तो अगर सेपरेट बॉटल्स हों तो वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि एक से दूसरे का इन्फेक्शन भी ट्रांसमिट ना हो सके। सो दिस वॉज जनरल अबाउट आई ड्रॉप एप्लीकेशन फॉर विच कैन अप्लाई फॉर एनीथिंग। नॉर्मली ग्लॉकोमा पेशेंट्स या कुछ ऐसे आपके यूवेआईटिस पेशेंट्स को बहुत लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। सो आई होप ये ड्रॉप एप्लीकेशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं दे विल हेल्प यू इन दिस प्रोसेस। थैंक यू सो मच।